तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सादस एंड वाचिंग टेक्नो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE के कुछ न्यू अपडेट्स, जिसमें हम बात करेंगे सेमी ज़ेन के बारे में कि कब वो रिटर्न कर सकते हैं WWE में। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं WWE के एक बिग अनाउंसमेंट जो होने वाला है वुमेंस रेसलिंग के तरफ। साथ ही हम बात करेंगे इस वीक के स्मैकडाउन लाइव के व्यूअरशिप के बारे में भी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम जैसा जानते हैं कि सेमी ज़ेन WWE से बाहर हो चुके हैं अपने सर्जरी से रिकवर करने के लिए, तो हमें काफ़ी टाइम के लिए वो नहीं दिखने वाले WWE में। तो फ्रेंड्स, अगर आप बात करें उनके इंजरी के बारे में, तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने जब मॉन्ट्रियल में अपना रॉ डेब्यू किया था अगेंस्ट जॉन सीना के, तो उनके शोल्डर में तभी उनको इंजरी हो गई थी। फिर एक लाइव इवेंट के दौरान जब उन्होंने मैच हुआ था उनका जिंदर महल के साथ, तो फिर भी उनको एक शोल्डर में इंजरी हो गई थी। तो इन दोनों मैचेस से काफी वो इंजर्ड हो चुके थे उनके शोल्डर, तो इसलिए हमें मनी इन द बैंक उनका बॉबी लेसली के साथ एक छोटा सा मैच देखने को मिला था। तो अब वो अपने शोल्डर इंजरी के कारण WWE से बाहर हो चुके हैं और वो जा चुके हैं अपने इंजरी से रिकवर करने के लिए। अब बात आती है उनके WWE में रिटर्निंग की, तो डॉक्टरों को कहना है कि उनकी सर्जरी के रिकवरी में बहुत सारा टाइम लगने वाला है, तो पॉसिबिलिटी ये लगाई जा रही है कि हमें अगला साल ही उनका रिटर्निंग देखने को मिल सकता है। तो गाइस, अब हमें उनका रिटर्निंग देखने को मिलने वाला रेसलमेनिया 35 में। तो 2019 का जो रेसलमेनिया होने वाला, तो तभी फिर से सेमी ज़ेन अपना कमबैक कर सकते हैं WWE में। तो होप तो यही कि वो जल्दी से अपने इंजरी से रिकवर करके फिर से कमबैक कर जाए WWE में। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इस वीक के स्मैकडाउन लाइव के व्यूअरशिप के बारे में। तो गाइस, मैं बताऊं कि जो इस वीक के स्मैकडाउन लाइव की व्यूअरशिप है वो इंक्रीज हो चुकी है पिछले वीक के स्मैकडाउन लाइव की व्यूअरशिप से। जो पिछले वीक की व्यूअरशिप थी वो थी 2.18 मिलियन, और इस वीक के जो व्यूअरशिप है वो है 2.31 मिलियन। तो गाइस, यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीजमेंट हुई है यहाँ पे स्मैकडाउन लाइव के व्यूअरशिप में। तो ऐसा इसलिए भी हो सकता था कि जैसे इस वीक के स्मैकडाउन लाइव पे देखने को मिला था काफी अच्छे अच्छे मैसेज, एक गॉन्टलेट में देखने को मिला था जहाँ पे डैनियल ब्रायन ने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, उस मैच के विनर रहे थे रूसेव। तो हो सकता है इन्हीं कारण मैचों से यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है व्यूअरशिप स्मैकडाउन लाइव। साथ ही हमारा मेन टॉपिक आता है एक बिग अनाउंसमेंट WWE का वुमेन्स रेसलिंग की तरफ। तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कई सालों से WWE वुमेन्स रेसलिंग की तरफ काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, जहाँ वो चाहती है कि वुमेन्स रेसलिंग मेन्स रेसलिंग के बराबर में आ जाए। इसके कारण हमें देखने को मिला था फर्स्ट एवर वुमेन्स आयरन वुमेन मैच, फिर हमें देखने को मिला था फर्स्ट एवर वुमेन हेल इन अ सेल मैच, इसके बाद हमें देखने को मिला था फर्स्ट एवर वुमेन्स रेडर मैच जिसकी विनर रही थी कार्मेला। इसके बाद हमने इसी साल देखा था कि फर्स्ट एवर वुमेन्स रॉयल रंबल मैच जिसकी विनर थी आस्का। इसके बाद हमें पहली बार देखने को मिला था वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच जिसकी विनर रही थी फिर एलेक्सा ब्लिस। इसी टाइप से हमें काफी सारे एग्जांपल देखने को मिले थे। अगर हमें बात करें यहाँ पे बिग अनाउंसमेंट की, जो यहाँ पे ट्रिपल एच ने किया था वुमेन्स रेसलिंग की तरफ, तो गाइस यूके टूर्नामेंट के टाइम ट्रिपल एच ने एक अनाउंसमेंट किया था कि वो यहाँ फिर से एक बिग स्टेप लेने जा रहे हैं वुमेन्स रेसलिंग की तरफ, बट उन्होंने यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं किया था हमें क्या एक बिग स्टेप देखने को मिलने वाला वुमेन्स रेसलिंग की तरफ। बट WWE वेबसाइट के न्यूज के माने तो हमें एक न्यू पेपर व्यू देखने को मिलने वाला है जहाँ पे वुमेन्स फिर से कम्पीट करने वाली है पेपर व्यू में। कैसे भी कुछ कंफर्म नहीं कि क्या एक अनाउंसमेंट होने वाला है वुमेन्स रेसलिंग की तरफ, तो अभी ट्रिपल एच इसमें कुछ कंफर्म बताया नहीं है। तो अगर गाइस इस न्यूज से रिलेटेड कुछ अगर न्यूज आए तो मैं फिर से आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा। तो गाइस आज की वीडियो बट यहीं तक, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।